सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के बारे में। आईटी सेक्टर कंपनी, यहां पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर 20% की गजब की तेजी बनी है। 20% का स्टॉक ने जो ना आज हमें जो देखोगे यूसी के अंदर लॉक होते हुए नजर आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टारगेट को लेकर, क्या इसके टारगेट रहने वाले हैं, शेयर आपको लॉन्ग टाइम में कैसे रिटर्न निकाल कर दे सकता है, कैसा रहेगा एज ए लॉन्ग टाइम के लिए अगर इस शेयर को हम कंसीडर करें। देखो भाई, जब ये शेयर 15 रुपये के आसपास था, 14 रुपये के आसपास था, तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और मैंने आपको बोल दिया था कि आप जो ना इस शेयर को एज ए लॉन्ग टाइम के लिए कंसीडर करो और हर गिरावट में, जी हाँ, हर गिरावट में आपको ये शेयर परचेज करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर में ये शेयर ज़बरदस्त रिटर्न निकाल कर दे सकता है। क्योंकि भाई इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये आपको जो ना 1000% तक के भी रिटर्न निकाल कर दे सकता है। इस शेयर का देखो भी आप कंपनी का बिजनेस कैसा है उसके ऊपर भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से हम पहले जो ना मंडे के बारे में देख लेते हैं। मंडे को आखिरकार स्टॉक अंदर क्या हो सकता है, तेजी बनेगी या फिर जो ना गिरावट होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे आज की हम बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक की 14 रुपये 45 पैसे, ओपन हुआ 16 रुपये 65 पैसे पर। अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 15% की गजब की तेजी के साथ स्टॉक ने ओपनिंग ली। उसके साथ साथ आप देखोगे हाई लगाया है इसने 17 रुपये 30 पैसे का, जो इसका अपर प्राइस बैंड है, जहाँ जो इसके सर्किल लिमिट है ना वहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग ली है और इसने लो भी लगाया। यहाँ पर आप देखोगे 16 रुपये 5 पैसे का, तो स्टॉक अप एंड डाउन किया। बट यहाँ पर आप देखोगे भाई, अगर बात करें मंडे की यानी कि 31 अक्टूबर की, तो वहाँ पर आपको स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बनती नजर आएगी। सुबह सुबह आप देखोगे स्टॉक के अंदर अप्रोक्सीमेट 5 से 10% की तेजी बन सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप देखोगे यहाँ पर कितना बड़ा बाइंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है, 22.5 लाख का मार्केट प्राइस पर 22.5 लाख का बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है। तो आप देखोगे जब ओपनिंग लेगा ना स्टॉक, तो वहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट 10% या फिर जो ना 5% की गजब की तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे ऊपर से प्रोडक्ट बुकिंग भी हो सकती है, जिसने भी नीचे से माल उठाया, आपको पता है भाई 20% तो आज आप देखोगे स्टॉक ने रिटर्न दिया है, और 5-10% अगर मंडे को भागेगा तो ऊपर से माल निकालने के बारे में सोचेंगे और यही होगा, ऊपर से करेक्शन भी हो सकता है। आप देखोगे यहाँ पर जो डिलीवरी पोर्शन हमें देखने को मिल रही है, ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखोगे 5.41 करोड़ की और डिलीवरी क्वांटिटी आप देखोगे 1.86 करोड़ की, 34% के आसपास जो डिलीवरी वो उठाई गई है। तो ये रहेगा मंडे का हाल जो मैंने आपको दिखाया है, 5-6% की तेजी के साथ स्टॉक हमें जो ना ओपनिंग लेते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद हमें जो ना इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा, जी हाँ, पक्का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई की बात करें तो 24 रुपये इसका 52 वीक हाई है। स्टॉक आप देखो भाई 4 तारीख को, जी हाँ 4 तारीख को कंपनी अपने Q2 के नंबर पेश करने जा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में और भी तेजी बन सकती है। तो चलिए एक बार इसके फंडामेंटल पर भी नजर दौड़ा लेते हैं आखिरकार कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्फीबीम एवेन्यू जो बिजनेस में लगी हुई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, सर्विसेज मेंटेनेंस, वेब हो डेवलपमेंट हो गया, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, ई कॉमर्स, तो इन सब के बिजनेस में कंपनी लगी हुई है। अगर बात करें इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैप 4640 करोड़ का है, इसके अपोजिट आप देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 21 लाख का। तो कंपनी के ऊपर कुछ भी डेट नहीं है, कंपनी तब चाहे जब अपना डेट पे कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट 394 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो आप देखोगे 80 करोड़ का, और वहीं आप देखोगे एनुअल प्रॉफिट 83 करोड़ का। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, तो इन फ्यूचर में शेयर के अंदर अच्छी तेजी बनने वाली है। स्टॉक पी रेशो की बात करें तो 50 का है, वहीं आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.5% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 3% के आसपास, ये थोड़े लो है बट कोई बात नहीं। ईपीएस आप देखोगे 36 पैसे का है, जो इसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से आप देखोगे भाई अप्रोक्सीमेट आपको 6-7 रुपये ऊपर में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, और वहीं आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ज़बरदस्त है। FI के पास आप देखोगे 7.07% है FI, और DI के पास आप देखोगे 0.05, और जो पब्लिक के पास है वो है 61.8%। इसके अपोजिट आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 30.6% होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है, कंपनी आपको जो है यहाँ पर आप देखो डिविडेंड भी दे रही है 0.14% से। तो अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है, आने वाले टाइम में ये शेयर आपको ज़बरदस्त रिटर्न निकाल कर दे सकता है। ये स्टॉक मैंने एज ए लॉन्ग टाइम के लिए भी कंसीडर किया था हमारे सेकंड चैनल पर, आज से तकरीबन आप देखोगे 1-1.5 महीने पहले की बात है। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी बनी है यहाँ से, ठीक है, वॉल्यूम अच्छी लगी जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर ये पंप हमें देखने को मिला है आज के दिन, ठीक है। आज जो वॉल्यूम लगी ना इसी कारण स्टॉक आपको 20% का ये अपर से रेट लगाते हुए नजर आया है, और ऊपर से आप देखोगे कल प्रॉफिट बुकिंग होगा और शेयर के अंदर नीचे में फिर आपको जो है गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखोगे भाई सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, ज़बरदस्त इंक्रीज हमें जो है इन सब के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इन फ्यूचर में आप देखोगे शेयर आपको
अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकता है। यहाँ पर आप देखो भाई, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ये सब आप देख सकते हो भी अच्छी हैं। लगभग आने वाले टाइम में भी ये जो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, तो शेयर आप जो ना एज ए लॉन्ग टाइम के लिए कंसीडर करो या शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर करो, वो आपकी मर्जी है भाई। देखो जो इसका एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।